तो दोस्तों, आपने एक टवेर वाली वीडियो पे बहुत तगड़ा रिस्पांस दिखाया था, जिसमें आज की डेट में 15,000 के करीब वीडियो में व्यू आया है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और इस टॉपिक में मुझे वीडियो बनाना इसलिए पड़ा क्योंकि आप लोगों का बहुत कमेंट आ रहा था कि भाई टवेरा इंडिया में कब आएगी, टवेरा इंडिया में कब आएगी। फिर इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने के लिए आया हूँ इस वीडियो में। चलिए शुरुआत करते हैं। अमेरिकी कार निर्माता कंपनी जनरल मोटर्स ने 28 अप्रैल 2016 को देश भर में उस समय 150 डीलरशिप में अपनी ये अनाउंस करवाया कि हम बीट का एक अपडेटेड वर्जन लाने वाले हैं, इंडिया में लॉन्च करने वाले हैं। और जो बीट थी वो इंडिया के लिए तैयार की जा रही थी कि भाई उस समय गाड़ियों की काफी ऐसे अच्छी सेल होती थी। एक 19 दिन बाद कंपनी ने सबको चौंका दिया। शेवरलेट ने इंडिया में अनाउंस कराया कि हम 2017 से देश भर में अपनी गाड़ियों की सेल्स बंद कर रहे हैं। लोगों के बीच जो उत्साह था, हम नई गाड़ी लेंगे, हम टवेरा लेंगे, हमारा बीट का लेने का प्लान है, उस सब पे शेवरलेट ने पानी फेर दिया। कुछ लोगों की बुकिंग भी थी और कुछ लोगों का जो डिलीवरी भी ले ली थी, तो वो लोग परेशान हो गए थे, भाई अब हम सर्विस कहाँ कराएंगे, हमारा क्या होगा, कैसे होगा। तो लोग पागल से हो गए, मतलब परेशान हो गए थे काफी इस बात को सुनकर। जो कंपनी इंडिया में जब आई थी तो उसने दावा किया था कि हम रोज 8.33 सेकंड में अपनी एक कार को बेचेंगे। उसकी ये हालत कि उसे देश छोड़ के जाना पड़ता है, बात कुछ हजम नहीं हुई। और 2016-17 की अगर हम इनकी कार्स यूनिट्स की बात करें तो कितनी गाड़ियां बिकी, 25,823 यूनिट्स की सेल हुई इनके द्वारा पूरे इंडिया में, पूरी डीलरशिप पे। स्टॉक था, स्टॉक को तो हटाना ही था। अगर हम इन गाड़ियों का परसेंटेज निकाले तो मात्र 0.85% लोगों ने ही इस गाड़ी को खरीदा था, एवरलेट की गाड़ियों को खरीदा था। ऐसा क्या हुआ कि कंपनी को इंडिया छोड़ के जाना पड़ा, चलिए उसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। कुछ न्यूज़ के मुताबिक अगर हम बात करते हैं तो पिछले कुछ सालों से कंपनी जो है फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रही थी कि भाई जब कोई गाड़ी में अपडेट नहीं आएगा, कुछ करोगे ही नहीं गाड़ियों में अपनी, कुछ नए फीचर्स नहीं दोगे, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं दोगे तो लोग क्यों खरीदेंगे आपकी गाड़ी। और वही हाल हुआ कि जब कोई खरीदेगा नहीं तो प्रॉफिट होगा ही नहीं, इसीलिए जब प्रॉफिट नहीं हो रहा था तो गाड़ियाँ बिकनी ऑब्वियसली बात है बंद हो जाएंगी, ज्यादा कम बिकेंगी तो प्रॉफिट इनको होगा ही नहीं। अगर दूसरे पॉइंट की बात करें तो जनरल मोटर्स भारत में सही प्राइस पॉइंट पर कार्स नहीं ले आ पा रही थी। कौन सी गाड़ी कितनी रेंज में जा सकती है ये इनको बिल्कुल अंदाजा ही नहीं था। और कंपनी इंडिया के बदलते मार्केट को समझ ना पाई, पहले इसने कॉम्पैक्ट सेडान का फ्यूचर आंकने की गलती कर दी। जब तक शेवरलेट अपनी इस कमी को दूर करती तब तक मार्केट कॉम्पैक्ट एसयूवी की तरफ शिफ्ट हो चुका था, जिसे शेवरलेट समझ ना सकी। सबसे आखिरी चीज, लोगों का विश्वास। कुछ लोगों का विश्वास था इनकी गाड़ियों पे और कुछ लोगों का नहीं भी था। शेवरलेट इंडिया के मार्केट में विश्वास बनाने में कम सफल रही क्योंकि इनकी गाड़ियों का कौन सा मॉडल कब बंद कर दिया जाएगा किसी को नहीं पता था। अब इसलिए सी बात है, जो गाड़ियां आ रही हैं उनको भी बंद कर दोगे ना, उनमें कोई अच्छा चेंज लाओगे कि भाई इसमें टच स्क्रीन आ रही है, इसमें ये फीचर आ रहा है, इसमें ये फीचर अलग आ रहा है, तो कौन लेगा। और ऊपर से मॉडल भी चेंज करते जाओगे, बेस मॉडल बंद कर दोगे या फिर कोई वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट बंद कर दोगे, उसमें से ये फीचर हटा दोगे, वो कलर हटा दोगे, तो ऑब्वियसली बात है कौन लेगा, कोई नहीं लेगा। इसी के साथ 2017 के साथ इस कंपनी ने अपनी आखिरी गाड़ी बेची और इस कंपनी ने इंडिया को गुड बाय कह दिया। अब आप में से ही काफ़ी लोग पूछते हैं कि टवेरा इंडिया में कब आएगी, या टवेरा इंडिया में लाओ, ऐसा करो वैसा करो। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि इस कंपनी का ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि हम किसी भी देश में अगर हम अपनी बिजनेस करेंगे तो कंपनी केवल प्रॉफिटेबल मार्केटिंग करेगी और प्रॉफिट ना होने पर अपनी कारोबार वहाँ से समेट लेगी, वहाँ से अपना पूरी बिस्तर बांधेगी और चली जाएगी। उनको कोई मतलब नहीं है कि लोगों को अच्छी गाड़ी हमने दी या लोगों को पसंद आई है कि लोग परेशान होंगे, अब गाड़ी खरीद लें तो उनको सर्विस सेंटर का चक्कर काटना पड़ेगा या उनको पार्ट्स नहीं अवेलेबल होंगे, इनको किसी चीज़ से मतलब नहीं है। तो सिर्फ अपने प्रॉफिट से मतलब है, जहाँ प्रॉफिट होगा वहाँ पे ये रहेंगे, नहीं प्रॉफिट होगा तो नहीं रहेंगे। और तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, वीडियो अगर पसंद आया चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।